दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉल्यूम इन वेरिएबल के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको काइनमास्टर में भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसका जो मेनली रूप से यूज है वो है यहाँ पे वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करना, जैसा इसका मतलब है। तो आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जो कोई सॉन्ग है या फिर कोई जो साउंड आप सुनते हैं तो उसमें जो है उतार चढ़ाव होता है, यानी कभी ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम या फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, और बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते हैं कि वो मैं अपने वीडियोज़ में या फिर अपने सॉन्ग्स में कैसे यूज़ करूँ। तो उसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा ये वीडियो आप बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इजी है, इसके लिए कोई भी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आप इसे इजीली आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले काइनमास्टर को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जाना है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में। तो हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी बैकग्राउंड की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ से सिंपल सा ये बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब मुझे चाहिए एक सॉन्ग या फिर एक साउंड, तो मैं यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग या फिर साउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ एल्बम में, और यहाँ पर मैंने एक ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैं इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दोस्तों ये जो सॉन्ग है वो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये जो सॉन्ग है वो आपको नॉर्मल वॉल्यूम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप जैसे सुनेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे उतार चढ़ाव चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ तक इसे साउंड को बजा लिया है, और इसके बाद मुझे जो है साउंड को थोड़ा सा कम करना है। आपने जैसा देखा भी होगा मेरे वीडियोस में काफ़ी, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन पे टैप करना है, और उसके बाद कितना यानी मतलब किस कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन में ये कम होना चाहिए। तो मान लो कि इतने टाइम चलते चलते ये थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नीचे करना है कितना वॉल्यूम रखना है। तो पहले मान लो कि आपका यहाँ पे 100 था, तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, 49 कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा देर एकदम यहाँ पे स्टेबल चले, तो मैं यहाँ पे स्टेबल रहने देता हूँ, और उसके बाद फिर से ज़्यादा हो जाए तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से फिर हम थोड़े टाइम के बाद जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से फिर मैं 50 कर देता हूँ, ये 100 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिर उसी पोजीशन में आ चुका है। अभी हमें थोड़ा सा है ना इतने टाइम के बाद, इतने ड्यूरेशन के बाद फिर से कम करना है, तो मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक कर दिया प्लस के आइकन पे, और उसके बाद जस्ट हमें धीरे करना है थोड़े से ड्यूरेशन के बाद। तो ये मैंने ड्यूरेशन सेट कर लिया, और उसके बाद मुझे कर देना है यहाँ पे, मानो कि मुझे 20 कर देना है, तो यहाँ से मैंने 20 सेलेक्ट कर लिया, 19 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्टेबल चाहिए, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा और अप चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे बढ़ा दूँगा। जैसा आप देख लिया 100 कर दिया मैंने। तो अगर आप इस तरीके से साउंड को जो है एडजस्ट करेंगे तो आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने देखा होगा कि जब भी मेरा वीडियो जब ओपन होता है तो कुछ देर जो है वो वीडियो चलते हैं, उसके बाद जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो जो वॉल्यूम है बैकग्राउंड टोन का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो है इस तरीके से यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ से नॉर्मल चला, यहाँ से फिर बढ़ गया, यहाँ से फिर नॉर्मल चला, फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से आप अपने साउंड को यहाँ पे ज़्यादा कम यहाँ पे कर सकते हैं, अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक यहाँ पे सुना के दिखा देता हूँ ये किस तरीके से साउंड जो है वो वर्क करता है। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरीके से आप जो है साउंड को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने एक बार ट्राई कीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप मुझे बताना कि ये जो है वो आपको ये फीचर्स कैसा लगा।
अगर दोस्तों ये जो है, ये जो सेटिंग है वो अभी तक किसी ने नहीं बताया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सेटिंग के बारे में और यूज़ करके भी बता देता हूँ। तो मैंने यूज़ करके आपको दिखा दिया। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या फिर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।